इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सेना के जवान लांस नायक यज्ञ प्रताप सिंह अपनी मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये कहना है उनकी पत्नी ऋचा सिंह का। आपको बता दें कि यज्ञ प्रताप ने सेना में उच्च अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि वो उस पर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन कल ही सेना प्रमुख ने अपील की थी कि जवान अपनी शिकायतें उन्हें भेजें और सोशल मीडिया में ना जाएं। जल्द ही हर कमांड हेडक्वार्टर में शिकायती पेटी लगाई जाएगी जिसमें वो अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। यज्ञ प्रताप की पत्नी ऋचा सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। ऋचा जी, आपके पति इस वक्त भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांगे क्या सुनी जा रही हैं या उन पर कोई कार्रवाई भी की जा रही है या फिर अनसुनी होने की वजह से इस तरह का कदम उन्हें उठाना पड़ा है? अनसुनी होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि अगर ये सारी बातें अगर जनरल ने कही है तो अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते सिपाही लोग ऐसा करें। मैं यही चाहती हूँ मैडम कि उनकी बातें सुनी जाए और सहायकी हटाई जाए, मैं यही चाहती हूँ। अगर कोशिश की जाए तो अच्छी बात है, मैं अगर वहाँ गए हुए हैं तो देश की रक्षा के लिए गए हैं, ना कि जूते पॉलिश करने या उनके घर में काम करने के लिए। जनरल ने अगर ऐसा कहा है तो एक लागू है, लेकिन 8 बंदे कहाँ जाते हैं? आप सब मेरी बातें उन तक शेयर कीजिए कि आप बिपिन रावत से आप जवाब मांगिए कि अगर एक बंदा लागू है तो 8 बंदे क्यों आपके सहायकी में जाते हैं? ऋचा जी, एक बात का जवाब दीजिए, क्या उन पर वीडियो हटाने का दबाव डाला गया, उनका फोन जब्त किया गया, किस तरह से अधिकारियों ने उनके साथ बर्ताव किया जब ये वीडियो सामने आया? जब वीडियो सामने आया तो जनरल ने ये आदेश दिया है कि ऐसा उन्हें कैमरा मोबाइल नहीं लागू है, तो अगर ये बताइए अगर कैमरा मोबाइल नहीं लेंगे या ऐसे सादी मोबाइल लेके काम चलाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? अगर अधिकारी का कुछ प्रूफ उनके पास नहीं रहेगा तो कैसे काम चलाएंगे, बताइए? आप ही अगर प्रूफ नहीं रहेगा तो यही चाहते हैं कि मेरे जूते पॉलिश करे और मेरे घर में काम करे और सरहद पे ना जाए। मैं यही चाहती हूँ मैडम कि सरहद पे जाए, मर मिटे, देश की रक्षा करे, इसीलिए उन्होंने कसम खाई थी ना कि जूते साफ करने के लिए। जी ऋचा जी, बिल्कुल हम उनके इस जज्बे को सलाम करते हैं, लेकिन साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि भूख हड़ताल पर बैठने का कदम जो उन्होंने उठाया है, इस पर से हटने का भी उन पर दबाव डाला गया है? किसी तरह से फोन आया है उन्हें या आपको कुछ कहा गया है अधिकारियों की ओर से कि आप अपने पति से बात करें, उनसे कहें कि ये इस तरह से ना करें? नहीं, मेरे पास किसी अधिकारी का फोन नहीं आया, मेरे पति का ही फोन आया था और उनका खाना उनके पास जा रहा है लेकिन वो खा नहीं रहे। जनरल से उन्होंने जवाब मांगा है कि मुझे इसका न्याय मिलना चाहिए और सहायकी हटनी चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पूरे सेना के लिए लड़ रहा हूँ, सहायकी हटनी चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कोर्ट मार्शल भी कर देते हैं तो कोई गम नहीं, फांसी कर देते हैं तो कोई गम नहीं, लेकिन मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, हर जवान के लिए लड़ रहा हूँ। चलिए संयम रखिए, हम आपकी बात को समझते हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे जो सारी बातें आप बता रही हैं अपने पति के बारे में, आखिरी बार आपसे उनकी बात कब हुई थी, तब उन्होंने क्या कुछ कहा था? अभी सुबह 8, कल मेरी बात उनसे 7 बजे हुई थी, तब उन्होंने मुझे बताया कि मेरी मोबाइल जब्त कर ली गई है, मुझे बैठा दिया गया है, कोई काम मुझसे करवाया नहीं जा रहा है, मेरे पास सारे सैनिक हैं, ये मुझे जवाब दिए। अब जब आज सुबह मेरी बात हुई उनसे तो बोले कि मेरी मोबाइल कल से, जब से मैंने आपसे बात की है तब से जब्त है, ना वो दे रहे हैं, और अगर बात मैं करना चाहूँ तो मैं कहाँ से करूँ, इसीलिए उन्होंने किसी की मोबाइल से मुझे फोन किए थे, बताए कि मेरी मोबाइल जब्त है, मैं खुद लगा रही हूँ मैडम, मेरे घर परिवार मेरे और जितने लोग हैं सब लोग फोन लगा रहे हैं लेकिन फोन नहीं लग रहा। ऋचा जी, ये बताइए कि कल जो बिपिन रावत जो कि सेना अध्यक्ष है उन्होंने कहा था कि हर हेडक्वार्टर में एक बॉक्स रखा जाएगा, उसमें जवान अपनी शिकायतें डाल सकते हैं और वो सोशल मीडिया पर ना जाएं, आपको लगता है इस तरह की चीजों से हालात सुधरेंगे, स्थिति बेहतर होगी, जवानों की समस्याएं सुनी जाएंगी, उन्हें न्याय मिलेगा? नहीं मैडम, इससे न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि हर जवान कोई आगे कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि कोई गरीब का घर का किसी के माँ बाप इतने गरीब हैं, अगर फौज में गया है तो सिर्फ इसलिए गया, वो तो चाहे उसे जूते साफ करवाए चाहे उसे लेटरिन साफ करवाए तो करेगा, क्योंकि वो गरीब घर का है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा, बिपिन रावत ने जो आदेश दिया है ये गलत है, क्योंकि हर सिपाही ऐसा नहीं चाहेगा
कि मेरी नौकरी चली जाए, वो दबाव में काम कर रहे हैं क्योंकि उनको तो यही करना अच्छा लग रहा है क्योंकि उन्हें पैसे मिल रहे हैं। मैं यही नहीं चाहूंगी कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे देश के लिए लड़ना है, मुझे हर सिपाही के लिए लड़ना है, हर फौजी के लिए लड़ रही हूँ, अपना की अपने पति और अपने लिए लड़ रही हूँ। रिचा जी, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हर एक जवान इसी तरह से वीडियो बनाने लगा, अपनी समस्याएं बताने लगा, इससे सेना का अनुशासन कहीं ना कहीं टूट रहा है? क्योंकि कई जगहों पर मोबाइल रखना की अनुमति नहीं होती है, आप इस तरह से अपना वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो वीडियो नहीं बना सकते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं तो वहाँ अनुमति नहीं होती, या ऑफिस में जाते हैं वहाँ अनुमति नहीं होती, ना कि सफाई उनके घर में करें तो ऐसे वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? आप ही बताइए, वीडियो उन्हें बनाना तो पड़ेगा ही। अगर बॉर्डर पे है चलो ठीक है, नई बात हुई। अगर जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, वहाँ से टावर नहीं मिल रहा, वहाँ मुझसे बात नहीं हो रही, ठीक है मोबाइल उनकी नीचे रख दी गई है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर किसी के घर में काम कर रहे हैं तो वीडियो बनाना उनका उचित काम है, इसीलिए उन्होंने वीडियो बनाया है, इसीलिए उन्होंने दिखा रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। सवाल ये है कि क्या सेना के जवान आर्मी चीफ ने जो हिदायत दी है उसका पालन करेंगे? आर्मी चीफ का ये कहना था कि एक बॉक्स लगाया जाएगा हर हेडक्वार्टर में, वहां पर जवान अपनी शिकायत डाल सकते हैं और उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी।